हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है कुकिंग विद अमृता में। आज मैं शेयर कर रही हूँ गणेश चतुर्थी के दिन बनने वाला गणेश जी का प्रिय उकड़ीचे मोदक की रेसिपी। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम मोदक के लिए मोदक की फिलिंग तैयार कर लेंगे। तो इसके लिए मैंने एक पैन को गैस पे रखा है। गैस का फ्लेम मैंने मीडियम टू लो रखा है। अब मैंने इसमें एक बड़ा चम्मच खसखस या पॉपी सीड डाला है। मैंने पॉपी सीड ज़्यादा इस्तेमाल किया, इसमें आप कम से कम एक छोटा चम्मच खसखस या पॉपी सीड ज़रूर डालें। अब मैंने इसमें दो बड़े चम्मच चॉप किए हुए आमंड को डाला है। आप मोदक में अपनी पसंद के किसी भी ड्राई फ्रूट्स को डाल सकते हैं। आप चाहें तो आमंड के साथ साथ काजू, पिस्ता, किशमिश आदि भी डाल सकते हैं। तो मैंने सिर्फ़ आमंड का प्रयोग किया। इसे एक मिनट भूनते हैं। एक मिनट के बाद मैंने ताज़ा नारियल पीसकर एक कप इसमें डाल दिया है। नारियल के ऊपर जो ब्राउन वाला छिलका होता है ना, उसको मैंने छील के हटा दिया। और उसके बाद इसे या तो आप कद्दूकस कर लें या फिर इसे मिक्सी में पीस लें। और बाय चांस यदि आपने ज़्यादा नारियल पीस लिया है तो बचे हुए नारियल को एक जिपलॉक बैग में डालें और उसको फ्रीजर में पैक करके रख दें। फिर जब आपको यूज़ करना हो बाहर निकाल के उसे यूज कर लें। तो बस अब नारियल को पहले हम भूनेंगे जब तक ये थोड़ा सा ड्राई ड्राई नहीं हो जाए। इसको भूनने में 2 मिनट के लगभग टाइम लगता है। अब 2 मिनट के बाद मैंने इसमें आधा कप गुड़ मिला दिया है। जैसे मैंने एक कप नारियल लिया तो उसमें आधा कप गुड़ मिलाया। यदि आप कटोरी से नाप लें तो एक कटोरी पिसे हुए नारियल को लें तो उसमें आधा कप गुड़ मिला दें। और बस अब इसे चलाते रहेंगे जब तक कि गुड़ मेल्ट नहीं हो जाए। अब गुड़ के मेल्ट होने में कितना टाइम लगेगा यह आपके गुड़ के क्वालिटी पर निर्भर करता है। कुछ कुछ गुड़ बहुत जल्दी मेल्ट हो जाते हैं जबकि कुछ में टाइम लगता है। अब मोदक को फ्लेवरफुल बनाने के लिए मैंने इसमें आधी छोटी चम्मच इलायची पाउडर का इस्तेमाल किया है। यदि आप चाहें तो इसमें एक पिंच नटमेग या जायफल के पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यह आपकी चॉइस पर निर्भर करता है। मैंने सिर्फ इलायची पाउडर का इस्तेमाल किया है। तो बस अब इन सभी को आपस में चलाते रहेंगे जब तक कि गुड़ मेल्ट होकर आपस में सभी स्टिकी ना हो जाए। तो इसमें लगभग 5 से 6 मिनट का समय लगा है। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें तथा बेल आइकन को प्रेस करके ऑल ऑप्शन को सेलेक्ट कर लें ताकि आने वाली अच्छी अच्छी रेसिपीज़ की वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। तो ये आपस में स्टिकी सा हो गया है जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। तो बस अब मैं गैस का फ्लेम बंद कर दूँगी और इसके बाद इसे हम एक दूसरे बाउल में निकाल लेंगे, क्योंकि अगर हमने इसे इसी पैन में छोड़ दिया तो पैन अभी गर्म है और हमारा फिलिंग नीचे से जल जाएगा। बस इसे एक बाउल में निकाल लेते हैं। तो हमारा मोदक का फिलिंग तैयार है। अब हम मोदक के लिए आटे का डो तैयार करेंगे। वैसे तो हम सभी जानते हैं कि मोदक चावल के आटे से बनता है, लेकिन मोदक एक स्पेशल कैटेगरी का चावल अम्बेनूर चावल के आटे से बनता है जो कि सब जगह अवेलेबल नहीं होता है। यदि आपके आसपास मोदक के चावल का आटा या मोदक पीठ अवेलेबल है तो आप ख़रीद लें, नहीं तो इसे आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। मोदक बनाने के लिए डो तैयार करने के लिए सबसे पहले मैंने एक पतीला लिया है। पतीले में मैंने एक कप पानी लिया है, साथ ही मैंने इसमें एक छोटा चम्मच देसी घी और 1/4 छोटी चम्मच नमक डाला है। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार ले लें। अब पानी को मैंने गैस पे चढ़ा दिया है। गैस का फ्लेम मैंने फुल रखा है। जिस कप से मैंने एक कप पानी लिया है उसी कप से एक कप मैंने मोदक पीठ या चावल का आटा लिया है। और यदि आप किसी कटोरी से माप रहे हैं तो एक कटोरी पानी में एक कटोरी चावल का आटा ले लें, दोनों का रेशियो बराबर जाता है। पानी में उबाल आने के बाद धीरे धीरे चावल का आटा डाल दें। इसका फ्लेम मैंने बंद कर दिया है। तो बस एक स्पून से हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि पानी और चावल का आटा अच्छे से मिक्स हो जाए। बस अभी आटा और पानी को मिक्स करना है और इसको ढक के हम 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तो 5 मिनट के बाद ये अभी भी काफ़ी गर्म है और अभी हम इसको हाथ से नहीं गूंद सकते हैं। तो इसके लिए मैंने एक ग्लास लिया है और ग्लास को पकड़कर ग्लास के पीछे वाले हिस्से से प्रेस करते हुए हम चावल का आटा गूंदेंगे।
तो मैंने जो पतीला लिया है वो साइज़ में छोटा है, उसमें आटा गूंदने में बन नहीं रहा है। इसको सबसे पहले मैं एक अलग दूसरे फैले हुए परात में निकाल लेती हूँ, जिसमें कि आटा गूंदने में आसानी हो। और इसके बाद हम आटे को 5 से 6 मिनट अच्छे से गूंदेंगे, ताकि ये बिल्कुल सॉफ्ट से अच्छे से हो जाए। अभी 3-4 मिनट तो मैं ग्लास से ही गूंद रही हूँ, लेकिन जब ये इतना गर्म रहेगा कि मैं हाथ से गूंद सकूँ, तो फिर उसके बाद मैं आटे को हाथ से ही गूंद लूँगी। तो आटे को हाथ से गूंदते हुए 3-4 मिनट हो गया और आटा अच्छे से गूंद भी गया है, लेकिन आटा अभी अच्छे से गूंदा या नहीं इसको हम पहले चेक करेंगे। तो चेक करने के लिए पहले एक लोई तोड़ते हैं और दोनों हथौलियों से बीच लोई को बनाते हैं और थोड़ा सा दबा देते हैं। अगर ये साइड से फट नहीं रहा, इसका मतलब हमारा आटा तैयार है, और ये फट रहा है, इसका मतलब अभी इसे गूंदने की और ज़रूरत है। तो बस आटा तैयार है। आटे को मैंने एक दूसरे पतीले में रख दिया है और इसके ऊपर 1 छोटी चम्मच घी लेकर आटे पर चारों तरफ से अच्छे से लगा दिया, ताकि ऊपर से आटा सूखे नहीं। अब हम मोदक बनाएंगे, लेकिन आटे को हम ढक के रखेंगे और जितने आटे का यूज़ होगा उतना आटा ही हम मोदक बनाने के लिए लेंगे। आज मैं मोदक मोल्ड में बना रही हूँ। तो बस सारा सामान हम एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं, फिलिंग, आटा और मोदक का मोल्ड। तो मोल्ड को मैं सबसे पहले एक बार ग्रीस कर दूँगी। इसे बार बार ग्रीस करना ज़रूरी नहीं है, बस एक बार ग्रीस कर देते हैं, इससे मोदक आसानी से डिमोल्ड हो जाता है। मोदक के मोल्ड को मैंने घी से ग्रीस कर दिया है। तो बस अब हम मोदक बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने मोदक के मोल्ड को सबसे पहले बंद किया है और चावल के आटे से लोई बनाई है, जिससे कि हम मोदक बनाएंगे। और लोई को मैंने मोल्ड में डाल दिया और इसे सावधानी पूर्वक मोल्ड में चारों तरफ फैला देंगे। मोल्ड में आटे को हम प्रेस करते हुए चारों तरफ फैलाते हैं, ताकि आटा मोल्ड की शेप को ले सके। और यदि आपको कहीं से भी मोल्ड में आटा नहीं दिख रहा हो या पतला लेयर दिख रहा हो, तो थोड़ी सी आटा लेके उसमें वहाँ लगा दें और उसको इवन सरफेस कर दें। यदि कहीं से भी आटा छूटा रह गया या पतला रह गया, तो उबालते समय या फिर ऐसे बाहर से ही फिलिंग दिखेगी और जिसमें गुड़ है, तो वो स्टीम करते समय मेल्ट होके बाहर आ जाएगा। तो मोल्ड के अंदर मैंने आटे को अच्छे से सेट कर दिया, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। बस स्पून से अब हम फिलिंग लेंगे और मोल्ड के बीच में डाल देंगे, और इसमें पूरा भर के ऊपर तक नहीं भरना है। तो बस इसको भरेंगे कि ये थोड़ा भर जाए, लेकिन इसके ऊपर थोड़ा सा आटा लेके वापस पीछे की तरफ से हमें सिलिंग करना है। तो आटे की लोई थोड़ी सी लेंगे, इसको फैला के भर देंगे, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। बस ऊपर से भराए, ताकि ये कहीं से भी खुला ना हो। और बस अब इसके बाद मोदक के मोल्ड को खोल देते हैं। तो हमारा मोदक बन के तैयार है और ये बहुत आसानी से डिमोल्ड भी हो जाता है। डिमोल्ड करते समय मोदक के नीचे और ऊपर वाले हिस्से को पकड़ के डिमोल्ड करेंगे, बीच से इसे नहीं पकड़े, नहीं तो मोदक का शेप ख़राब हो जाएगा। मोदक को हमेशा हल्के हाथों से डिमोल्ड करें। तो इस तरह से मैंने सारे मोदक तैयार कर लिए हैं। एक कप आटे से मैंने 9 मोदक तैयार किए हैं। तो अब मैंने एक बाउल में 1 बड़ा चम्मच गर्म दूध लिया है, इसमें थोड़े से केसर के धागे डाल दिए। आप चाहें तो केसर के स्थान पे येलो फूड कलर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बस अब इसे सभी मोदक पे हल्का हल्का डाल देंगे और इसके बाद अब हम इसकी स्टीमिंग करेंगे। तो इसको स्टीम करने के लिए मैंने एक कढ़ाई में 750 ml के लगभग पानी लिया है, और इसके बाद मैंने इसमें एक छन्नी रख दी है, बड़ी वाली। इसमें ट्रेडिशनली हल्दी का पत्ता या फिर केले का पत्ता डाला जाता है, लेकिन मेरे पास दोनों अवेलेबल नहीं है, तो मैंने इसमें भोजपत्र डाले हैं और इसमें मैंने मोमोज को रख दिया है। अब जब कढ़ाई में पानी में उबाल आ जाएगा, तो उसके बाद मैं छन्नी को इसके ऊपर रख दूँगी। छन्नी कढ़ाई में अच्छे से सेट हो जाता है, और इसके बाद इसको ढक के मीडियम फ्लेम पे 15 मिनट तक इसको हम पकाएंगे।
15 मिनट में मोल्ड में बनने वाले मोदक बनके तैयार हो जाते हैं।